आज हम 25वीं नशिस्त आगे और हजरत जबकि जिन्हें कहा जाए जुल्किफ आलैहि सलाम, इनके हवाले से चंद बातें सुनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जुल्किफ आलैहि सलाम का जिक्र कुरान में दो सूरतों में फरमाया, सूरह अंबिया और सूरह सालिह। फ़कत दो मकाम का आया और मगर आपकी कौम के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसा वादे कुछ जिक्र नहीं फरमाया। इरशाद रब्बानी हो रहा है सूरह सवाब में अल्लाह फरमाता है, वल्दु इस्माईल वल यसा वल किफ वकुल्लुन मिन अल अखियार। याद करो इस्माईल और यसा और जुल किफ को और सब अच्छे हैं। यही अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम पर फरमा रहा है और इनके नाम की बात अल्लाह फरमाता है, कुल्लुन मिन अल अखियार, ये जितने अंबिया हैं ये तमाम के तमाम अच्छे हैं। मतलब जुल्किफ्ल आपका नाम जो है बशर है या शर्फ है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के आप बेटे हैं, आपके मुतालिक और भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मगर जो है ज़्यादातर रुझान और मुफीन का यही है कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे और आपका नाम बशर या शर्फ है। अल्लाह ताला ने इनको और इनके वालिद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है नबी बनाकर भेजा। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद ये नबी हुए और हुक्म दिया कि आप लोगों को मेरी वहदानियत पर ईमानदारी की तरफ बुलाएं कि मेरे बगैर कोई माबूद नहीं है, कि मेरे अलावा कोई और माबूद नहीं कि जिसकी इबादत की जाए, बस मैं ही माबूद का हक हूँ। लोगों को आप मेरी तरफ बुलाएं। यह अय्यूब अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहे हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, जिनको कुरान ने ज़ुल्किफ़्ल के नाम से याद किया। आप जो है उम्र भर शाम के इलाके में रहे, अल्लाह ताला के अहकाम लोगों तक पहुँचाते रहे और 75 साल की 75 ईयर्स की एज में आप दुनिया से रुखसत हुए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे अब्दान को वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद नेकी के अमल पर फायद रहना, लोगों को भी और नेक आप और लोगों को भी ईमान और नेक आमाल की तलकीन करते रहना, तरकीब देते रहना। आप ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम यतीमों, मोहताजों, गरीबों, बेवाओं को इन तमाम पर रहम फरमाते और रहम भी इंतहा दर्जे का, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हो, उन्हें मोहताज लोगों की किफालत की वजह से आपका नाम ज़ुल्किफ़्ल यानी किफालत करने वाला हो गया, यानी किफालत करने वाला आपका नाम इसी वजह से हुआ कि आप यतीमों, मोहताजों, गरीबों, बेवाओं, औरतों इन तमाम पर रहम करते। और रहम खाली ये नहीं है कि जुबान से कह दिया जाए, बल्कि रहम ज़ुल्किफ़्ल जो नाम हुआ है यानी किफालत, क्योंकि नाम ही बता रहा है किफालत कहते किसे है, ज़रा इस पर गौर करें कि उसका नान, नफका, कपड़ा, लट्ठा, खाना पीना, ये वो सारी अपनी जिम्मे की पालन करने वाला जो जिसका बंदी का कसूर होता है उसको देता है। ज़िंदगी गुजारने की जो ज़रूरियात है, ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो वो देते परेशान जाए। तो इतना ही जिक्र तकरीबन जो है वो किताबों में हुआ। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी सूरह सवाब में वल यसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया। आपका भी जिक्र यसा अलैहिस्सलाम को जिक्र कुरान में दो मकाम पर, एक तो सूरह सवाब में, दूसरा सूरह अनआम के अंदर। इन दो मकाम पर, दो सूरतों में अल्लाह ताला ने यसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। आपको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई,
और उसके साथ ही आपको बादशाहत भी अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह भी रहे और आप दिन को रोज़ा रखते थे और रात को अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर नवाफिल अदा करते थे। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम को किसी बात को गुस्सा नहीं आता था, खुसूसन आप अपनी उम्मत के मामलात में बड़ी मतानत से फैसला फरमाते थे, किसी किस्म की जो है जल्दबाजी और गुस्से से महफूज नहीं फरमाते। ये आपकी खसूसियात में से था हज़रत यसा अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब करीब आया तो बनी इसराइल के कुछ बड़े आदमी मिलकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बनी इसराइलियों का वक्त जो है आपकी बारगाह में आया और आप बादशाहत में अपना जानशीन किसी को मुकर्रर कर दें। बनी इसराइल कहने लगे कि आप जो है अपनी बादशाहत में अपना जानशीन किसी को मुकर्रर कर दें ताकि हम अपने मामलात में उसकी तरफ रुजू कर सकें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुल्क की बाग डोर में उसके हवाले करूंगा जो मुझे तीन बातों की जमानत है, यानी इस मुल्क की बाग डोर जो है जो बादशाहत है मैं उसको दूंगा जो मुझे तीन बातों की जमानत है। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम फरमाते तो जो है किसी शख्स ने भी उस जिम्मेदारी को कबूल करने की जमानत देने के मुताबिक आपसे कोई बात नहीं की सिवाय एक नौजवान की, तो उसने कहा मैं जमानत देता हूँ। एक जवान खड़ा हुआ और कहने लगा कि हजरत मैं आपको जमानत देता हूँ तीन बातों की। हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे मकसद ये था कि कोई और शख्स बात करे, लेकिन फिर आपके कहने पर कोई नौजवान खड़ा हुआ, उसने जिम्मेदारी कबूल करने की यकीन दिहानी कराई, फिर खड़ा हुआ कहने लगा हजरत आप मुझे हुजूर हुक्म फरमाए मैं इंशाल्लाह उन जो जिन चीज़ों की आप जमानत लेते हैं उन पर अमल करूंगा और उनको कबूल करने की यकीन दिहानी कराता हूँ। आपने कहा ठीक है तीन चीज़ों की जिम्मेदारी कबूल करो। पहली ये कि एक तमाम रात इबादत में गुजारनी है, सोना नहीं है। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने जिसको अपना जानशीन मुकर्रर किया, जिसको अपना खलीफा बनाया, जानशीन मुकर्रर किया, उनसे कहा कि पूरी रात इबादत में गुजारना, सोना नहीं है। एक बात इस बात की जमानत। दूसरी बात ये कि हर रोज दिन को रोज़ा रखना, यानी रोजाना हर रोज दिन में रोज़ा रखना, ये जो है जमानत दो मुझे। याद रहे ये सादिका अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर इस तरह था कि वो सात साल घर रोजे से रहते थे, मगर आज के वक्त में आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई ये बात चाहे कि मैं साल के 355 के 55 दिन इस्लामी, वैसे 365 दिन हैं अंग्रेजी में, इस्लामी 355 दिनों में मैं जो है 355 के 55 दिन रोजे रखूँ, तो इससे आप अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा पूरे साल के रोजे रखे उसने ऐसा है कि कोई रोज़ा ही नहीं, यानी बज़ाहिर रोजे रखने वाला है मगर आका फरमाते हैं कि उसने कोई रोज़ा ही नहीं रखा ऐसा है, यानी पूरे साल के रोजे रखने से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। फिर तालीमात दी गई कि अय्यामे बैत के रोजे रख रहे हैं, पीर और जुमरात का रोजा रख रहे हैं या जुमे का रोजा रख रहे हैं, इस तरह तालीमात आई। तो इन दो चीज़ों की जमानत अभी हुई है, क्या रात भर इबादत, दिन भर रोज़ा रोज, और तीसरी चीज़ ये कि गुस्से की हालत में कोई फैसला नहीं, यानी गुस्सा आए जैसा गुस्सा हो उस गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला नहीं करना। गुस्सा जब ठंडा हो जाए, गुस्सा जब ठंडा हो जाए फिर कोई फैसला करना। जब उस नौजवान ने तीनों चीज़ों की जिम्मेदारी कबूल कर ली तो आपने बादशाही का निज़ाम उसके सुपुर्द कर दिया। ख्याल रहे नबूवत में खलीफा नहीं बनाया जा सकता, अल्लाह ताला जिसे चाहे नबी बना दे, नबूवत में खलीफा नहीं मुल्क का खलीफा बनाया था। ऐसा ने उन्हें अपनी नबूवत का खलीफा नहीं बनाया था, ये भी याद हो, बल्कि उस मुल्क की बादशाहत उस मुल्क का खलीफा बनाया था। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला खुद जानता है कि उसने मनसबे रिसालत पर किसको फाइज करना, मनसबे ये रिसालत किसको अता करना, ये अल्लाह ताला खुद जानता है। इतना ही जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और सुल्तान हमीद में जिक्र फरमाया और किताबों में मौजूदगी किराम ने भी हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का इतना ही जिक्र फरमाया।
इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कुरान मजीद और फुरकान हमीद दो मकामात दो सूरतों में फरमाता है। सूरह साफात में अल्लाह फरमाता है وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترك عليه في الآخرين سلام على إلياسين كذا إنا كذلك نجزي المحسنين अल्लाह फरमाता है सूरह साफ़ात आयत नंबर 133 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और बेशक इलियास पैगंबरों से है, यानी इलियास हमारे रसूलों से है। इलियास अलैहिस्सलाम जब उसने अपनी कौम से फरमाया कि डरते नहीं कि तुम बाल बुत के नाम को पूजते हो, याद रखें कि ये एक बुत था बाल जिसको बाला बक्तू भी कहा गया। चेहरे बाला बक्तू के अंदर उस बुत का नाम था बाल, तो शहर का बहुत बड़ा बुत था। लोग उस बुत को नामों से भी याद करते थे, उस बुत को नाम से भी पुकारते थे। और था वो बुत कहाँ पे? चेहरे बाला बक्तू में। वो शहर था चेहरे बाला बक्तू के अंदर, वो बुत जो है था बाल के अंदर, बाल नाम था उसका। और उसी बाल की वजह से ही उस शहर का नाम बाला बक्तू भी पड़ा। तो उस बाल बुत का नाम जो है लोगों ने अपने अपने मुल्कों में अपने अपने शहरों में रहते हुए बुत को पूजने लग गए। तो अल्लाह के नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा तुम ये बाल इस बुत को क्यों पूजते हो? क्या तुम अल्लाह तब तक अल्लाह से नहीं डरते, डरते नहीं हो और छोड़ते हो सबसे अच्छा पैदा करने वाला, यानी जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है अल्लाह जल्ला शानहू, तुम उसको छोड़ते हो अल्लाह को जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी रब है। फिर उन्होंने उसे झुकलाया तो वो जरूर पकड़े जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने इलियास अलैहिस्सलाम को झुकलाया तो जरूर पकड़े जाएंगे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे और हमने पिछलों में उसकी सना बाकी रखी। सलाम हो इलियास अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह कहता है सलाम अला इलियासीन, कि सलाम हो इलियास पर और उनके साथ ईमान लाने वालों पर। बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में हैं। हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान लाने वाले बंदों में है ये इलियास और इलियास अलैहिस्सलाम के साथ वाले। इस वजह से अल्लाह फरमाता है कि सलाम हो इलियास और इनके साथ वाले। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपका नसब जो कौल के मुताबिक मशहूर है वो ये है कि इलियास इलियासी अलहीज अरबन हारून। हजरत इलियास और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम खुशकी पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर किए गए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरियाओं पर और जजीरों पर मुकर्रर है और हर साल के मौके पर इन दोनों की मुलाकात होती है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खुशकी पर, इतनी खुशकी है इस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर किए गए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दरियाओं और जजीरों पर मुकर्रर किए गए, पानी पर मुकर्रर किए गए, तरी पर मुकर्रर किए गए। हर साल इनकी जो है मुलाकात एक मौके पर होती है। बाज़ मुख्तलिफ अकवाल हैं बाज़ लोगों के हज के मौके पर हर साल एक साल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आते हैं, एक साल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आते हैं जो हज करते हैं आज भी, आज भी। अच्छा, बाद रिवायत में आता है उलमा ने जिक्र किया कि जो है इलियास अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात ही हज के मौके पर होती है, हज के मौके पर मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा
एक सफर के दौरान रिवायत नाता है, एक सफर के दौरान इनकी मुलाकात आका अलैहिस्सलाम से हुई। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम आसमानों से अल्लाह ताला ने खाना उतारा, दोनों हजरात ने वो खाना मिलकर खाया, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। उस खाने में रोटी मछली वगैरह नाज़िल की, फिर असर की नमाज दोनों हजरात यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने मिलकर अदा की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा, तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं, तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के काम पर अमल करो और उसके नवाही जिन कामों से रब ताला ने मना किया उससे इज्तनाब करो। बुत परस्ती करते हो, अल्लाह को छोड़कर बुतों से हजात तलब करते हो, उस जात को छोड़े रहो यानी उस जात की इबादत नहीं कर रहे हो, उस यानी उस जात को छोड़े हुए हो तुम, उस जात की इबादत नहीं कर रहे हो जिसने तुम्हें पैदा किया है। और असल जो है मकसद जिंदगी का तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है उस मकसद को तुम पूरा तो जो है याद रहे कि इलियास अलैहिस्सलाम की कौम ने बुत बाल बना रखा था और उस बुत को पूजा करते थे। उस बुत से नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने लोगों को बचने का कहा, मगर जो है वो ना माने तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को जो झुकलाती थी और वो जो बुत था जिस बुत के पेट में यानी एक बुत था ना ये बाल बुत था, इस बुत के पेट के अंदर शैतान बन जाता था और वो लोगों से तलाक करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फकत जरूर रुपयों को जरूर इतना फरमाया कि उन्होंने उसकी तकजीब की, बेशक वो पकड़े जाएंगे और अखरवी अजाब का जिक्र है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से ये जिक्र फरमाया कि ये पकड़े जाएंगे, इस बाल बुत को मानने वाले यकीन पकड़े जाएंगे। इसके अलावा कुरान में इसका जिक्र नहीं फरमाया गया। ये हजरत ज़ुल्किफ़्ल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान ने फरमाया वो आपके सामने बयान किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल अगर जो है कल रोज़ा होता है तो यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से बिल-इख़्तिसार मुख्तसर सा हम समाअत करेंगे, और अगर नहीं हुआ कल ईद का दिन होता है तो आज ये हमारी दरसी आखिरी नशिश होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन तमाम दुरूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये दुरूस आप तक पहुँचाने में जिन लोगों ने मुआवनत की जानी कौली फैली माली अमली, अल्लाह तमाम खिदमत कबूल फरमाए। इस मस्जिद जामा मस्जिद सईदिया जहाँ से जहाँ की मुआवनीन की मदद से मुंतज़िमीन की मदद से मुआवनत से आपके सामने बैठकर मैं दर्द जीता रहा, अल्लाह करीम उन्हें भी सलामती की हिदायत अता फरमाए, उन्हें सलामत रखे और इस मस्जिद को अल्लाह करीम कसम है क़यामत आबाद शाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ इस मस्जिद से मुस्तफ़ीद फरमाए और चिरागों को अल्लाह करीम रोशन फरमाए, जिस तरह चिराग खानकाहों से रोशन होते थे, मसाजिद से रोशन होते थे और खानकाह मसाजिद भी हुआ करती थी, अल्लाह करीम इस तरह इस मस्जिद को आबाद शाद फरमाए। और इस दर्स के अंदर जो जुलूस हुए इन दर्स के अंदर एयर के खाली अगर उनसे कोई दानिशा व बेदानिशा तौर पर कुफ्र सरज़द हुआ हो या किसी नबी की शान में बेअदबी वाला लफ्ज़ निकल गया हो बयान हो गया हो तो अल्लाह उससे तौबा करता हूँ और कुछ भी ईमान के तौर पर करता हूँ। रज़ी बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीन व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला ला इलाहा इल्लल्लाह محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علينا الا البلاغ.